नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। बहुत दिनों से हमारे कुछ दर्शकों का ये रिक्वेस्ट मिल रहा था कि कभी प्रदीप जी के ऊपर वीडियो बनाई जाए। इस बीच स्वास्थ्य समस्याओं और घरेलू कार्यों की वजह से वीडियोस अपलोड करने में देरी हो रही है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम जल्द नियमित रूप से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आएंगे और आप सभी की फरमाइशों को पूरा करेंगे। तो उसी क्रम में आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे देशभक्ति गीतों के शहंशाह कहे जाने वाले गीतकार प्रदीप की। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव। उससे पहले एक निवेदन है कि नारद टीवी के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें ताकि वहां से भी आपको नारद टीवी से जुड़े अपडेट मिलते रहें। फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1931 के बाद वो दौर था जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन अपने चरम पर था। एक तरफ भगत सिंह और साथियों की शहादत के बाद लोगों ने भारत को आजाद कराने के लिए कमर कस ली थी, तो दूसरी तरफ लोगों का हौसला बुलंद करने का जिम्मा कई कवि निभा रहे थे। उस समय तमाम कवियों के बीच एक और नाम लोगों की जुबान पर था, वह नाम था रामचंद्र नारायण द्विवेदी। इन्होंने अपने देशभक्ति के गानों से लोगों को नई ऊर्जा दी। इनको कवि प्रदीप के नाम से भी जाना जाता है। रामचंद्र द्विवेदी कवि प्रदीप कैसे बने, इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है। यह किस्सा जानने से पहले इनके शुरुआती दिनों की बात करते हैं। 6 फरवरी 1915 को उज्जैन के बड़नगर में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में रामचंद्र द्विवेदी का जन्म हुआ। इनकी रुचि बचपन से ही कविताओं में थी। 1939 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद वे शिक्षक बनने की तैयारी करने लगे। उसी दौरान कवि प्रदीप की जिंदगी में एक मोड़ आया और उनकी जिंदगी बदल गई। दरअसल उसी दौरान उन्हें मुंबई में एक कवि सम्मेलन में जाने का मौका मिला। इस कवि सम्मेलन में उनका परिचय बॉम्बे टॉकीज में काम करने वाले एक व्यक्ति से हुआ, जो कवि प्रदीप की कविताओं से काफी प्रभावित था। उस व्यक्ति ने बॉम्बे टॉकीज के संस्थापक हिमांशु राय को कवि प्रदीप के बारे में बताया और हिमांशु राय ने उनको बुलावा भेज दिया। बस फिर क्या था, हिमांशु राय कवि प्रदीप से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने स्टूडियो में 200 रुपए प्रतिमाह पर नौकरी पर रख लिया। रामचंद्र नारायण द्विवेदी से कवि प्रदीप बनने का सफर भी बड़ा दिलचस्प था। रामचंद्र से प्रदीप वो हिमांशु राय के कहने पर बने। हिमांशु राय का सुझाव था कि इतना लंबा नाम होना फिल्मी जगत में ठीक नहीं है, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रदीप रख लिया। लेकिन इसके बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं। दरअसल उन दिनों अभिनेता प्रदीप भी काफी मशहूर थे और स्टूडियो में दो प्रदीप हो गए थे। अक्सर डाकिया भी असमंजस में पड़ गलती कर बैठता और एक की डाक दूसरे को दे बैठता। इस समस्या के हल के तौर पर प्रदीप ने अपने नाम के आगे कवि लगाना शुरू कर दिया और तब से वह कवि प्रदीप के नाम से जाने जाने लगे। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं, ये प्रभु की अद्भुत, प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली।
कवि प्रदीप ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका मानना था कि अगर लोगों में ईर्ष्या द्वेष ना होता तो हम अंग्रेजों के गुलाम न होते। चंद्रशेखर की शहादत पर कवि प्रदीप बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने इन्हीं भाव को शब्दों में पिरो डाला और एक गीत रच डाला। कवि प्रदीप की जिंदगी में दो बेहद अहम समय आए जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। पहला समय था आजादी से पहले का, जब 1943 में बॉम्बे टाकीज की फिल्म किस्मत रिलीज हुई। इस फिल्म में कवि प्रदीप ने एक गाना लिखा जिसकी वजह से अंग्रेज उनसे नाराज हो गए और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। यह गाना भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में माना जा रहा था, जिसके बोल कुछ इस प्रकार थे। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। यह गाना काफी मशहूर हुआ लेकिन ब्रिटिश सरकार को नागवार गुजरा। इस गाने के चलते कवि प्रदीप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया गया। इसके बाद उन्हें काफी समय तक भूमिगत रहना पड़ा, लेकिन इस वारंट से बचने के लिए कवि प्रदीप ने जो तर्क दिया वो काफी मजेदार था। उन्होंने कहा कि यह गाना अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके पक्ष में है। दरअसल इस गाने की आगे की लाइनें थीं, शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जब सिंगापुर और बर्मा लड़खड़ाने लगे तो भारत पर जापानी आक्रमण की संभावना और बढ़ गई। बस कवि प्रदीप ने इसी मुद्दे का फायदा उठाया। उन्होंने इस गाने की आगे की पंक्तियों से ब्रिटिश सरकार को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये गाना उनके नहीं बल्कि जर्मनी और जापान जैसे शत्रु राष्ट्र के खिलाफ है, और इस तरह कवि प्रदीप गिरफ्तार होने से बच गए। इसके बाद कवि प्रदीप ने दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल और आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जैसे कई देशभक्ति से भरे गाने लिखे जो काफी लोकप्रिय भी हुए। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इसके बाद कवि प्रदीप की कलम ने वो कालजयी गीत लिखा जिसे सुनकर जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी नम हो गई थी। वो गीत था ऐ मेरे वतन के लोगों, जो कवि प्रदीप ने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद सैनिकों के लिए लिखा था। इस गाने को 26 जनवरी 1963 में लता मंगेशकर ने दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गाया। इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति यश राधाकृष्णन सहित सभी मंत्री और लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री मौजूद थी। इस गाने को सुनकर सभी की आंखें नम थी। भर लो ये शहीद हुए पर। हैरानी की बात ये थी कि इस अवसर पर कवि प्रदीप को आमंत्रित नहीं किया गया था। हालांकि इस कार्यक्रम के 3 महीने बाद जवाहरलाल नेहरू कवि प्रदीप से मिले और उनकी आवाज में ये गाना भी सुना। इस बात की पुष्टि खुद कवि प्रदीप की बेटी मितुल ने बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में की थी। इस गाने से जुड़ी कवि प्रदीप की एक और याद मितुल ने इसी इंटरव्यू में साझा की थी। वो याद थी कवि प्रदीप की लड़ाई की, जिससे शायद कई लोग अनजान थे। मितुल बताती हैं कि कवि प्रदीप ने ये गाना सैनिकों की विधवाओं के नाम कर दिया था ताकि इस गाने से होने वाली कमाई विधवाओं को मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कवि प्रदीप आजीवन पूछते रहे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये गाना बजाया जाता है तो इसकी कमाई सैनिकों की विधवाओं तक क्यों नहीं पहुंचती। इस पर ना तो म्यूजिक कंपनी ने जवाब दिया और ना ही आर्मी ने। बाद में मुंबई हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2005 में इस पर फैसला सुनाया
और SMB म्यूजिक कंपनी को विधवा कोष में 10 लाख जमा करने का आदेश दिया। कवि प्रदीप जाने अनजाने राज कपूर को भी सहारा दे गए थे। राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म मेरा नाम जोकर उस समय बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। राज कपूर ने इस फिल्म पर काफी पैसा लगाया था। इस फिल्म के फ्लॉप होने से राज कपूर को बहुत बड़ा झटका लगा और वह दुखी रहने लगे। ऐसे में उनके बुरे दिनों का सहारा बना कवि प्रदीप का एक गाना, जिसके बोल थे, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कवि प्रदीप का ये गाना ना सिर्फ उनका सहारा बना बल्कि इससे उन्हें मन को नियंत्रित करने की कला भी आई। कवि प्रदीप ने अपने जीवन में 1700 गाने लिखे, जिनमें देशभक्ति गीत सहित धार्मिक गाने भी शामिल थे। इन गानों में से कई गाने कवि प्रदीप ने खुद भी गाए, जो काफी लोकप्रिय हुए। इनमें आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, झांकी हिंदुस्तान की, आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। कवि प्रदीप को 1998 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने गीतों से फिल्मी जगत का एक स्तर और बढ़ाने वाले कवि प्रदीप का 11 दिसंबर 1998 को निधन हो गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कवि प्रदीप जी के जीवन की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।